देखिए एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। उन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नाम बताइए जो किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करती हैं कार्टेशियन प्लेन पे, बताती हैं। तो मैंने अभी बताया ना आपको इंट्रोडक्शन में, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो लेटी हुई लाइन है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन जो खड़ी हुई लाइन है इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल को तो बोलते हैं एक्स एक्सिस, ऐसे लिखेंगे आप एक्स डैश और फिर एक्सिस, और वर्टिकल लाइन बोलते हैं वाई एक्सिस। बस ये इसका जवाब था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइनों से मिलके जो पार्ट बनते हैं उनका नाम बताइए। देखिए जब आपकी ये दो लाइंस मिली यहाँ पे, इसने ऐसे और इसने ऐसे इसको काटा, तो ये जो पेज है आपका, ये जो प्लेन है, ये चार हिस्सों में बट गया। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। चार हिस्से हो गए और इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट्स बोले जाते हैं। तो नेम ऑफ ईच पार्ट, तो सेकंड का आपका आंसर है क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पे ये दो लाइनें आपकी इंटरसेक्ट होती हैं, यानी कि मिलती हैं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से ये निकलती हैं। देखिए जीरो में से ही तो सब निकल रहे हैं, जीरो से यहाँ 1 2 3 4 5 निकल रहे हैं, ऐसे यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, जो भी है सब जीरो से ही निकल रहा है, तो इसे ओरिजिन बोलते हैं। तो थर्ड का आपका आंसर है ओरिजिन। चलिए क्वेश्चन टू पे देखिए। क्वेश्चन टू है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ये 3.14 फिगर बनी हुई है आपकी नेक्स्ट पेज पे, इसे देखिए और इनके जवाब दीजिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, इसमें दिख रहा होगा आपको फिगर में, ये फिगर है, इसमें कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं बी के। तो इसमें बी देखिए कहाँ पे है, देखिए ये रहा बी। अब बी के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया था ना आपको कि पहला पॉइंट आपका एक्स का होता है, दूसरा आपका वाई का होता है। तो एक्स पे कितना है, ये है आपका -5 और वाई पे कितना है, 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके -5 और 2। तो यहाँ है आंसर -5 2, ये आपके एक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, अब सी देखिए, ये रहा आपका सी। सी एक्स पे कितना है, 5 और वाई ये -5, तो सी के कोऑर्डिनेट्स 5 और -5। थर्ड पॉइंट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब यहाँ पे आपको पॉइंट पूछा है और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3 और -5। तो एक्स का -3 ये रहा और वाई का -5 ये रहा, और इन दोनों के सामने मिलके कौन सा पॉइंट आया, ई। तो इसका आंसर है आपका ई। चलिए इसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स
टू माइनस फोर, टू और माइनस फोर से कौन सा पॉइंट बन रहा है, एक्स का टू देखिए ये रहा और वाई का माइनस फोर ये रहा, इनके सामने सामने चले तो आपको क्या मिला, जी मिला, तो आपका आंसर जी। फिफ्थ, द एफ्स का ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी का एफ सी का, डी देखिए पहले तो आप ये रहा और डी के कोऑर्डिनेट्स देखिए सिक्स और टू, और मैंने बताया था कि एफ सी का क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है, यानी डी का एफ सी का सिक्स है। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, पॉइंट एच देखिए कहाँ पे है, ये रहा, पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट्स देखिए माइनस फाइव और माइनस थ्री, और ऑर्डिनेट मैंने बताया था आपको वाई वाली वैल्यू जो वाई पे होता है, तो माइनस थ्री। सेवन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एल देखिए आपका कहाँ पे है, एल है आपका ये रहा। अब एल के कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स पे कितना है एल, यहाँ पे तो जीरो है ना, तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो एक्स पे कितना है ये जीरो, और वाई पे, वाई के प्लस वाली लाइन पे ये फाइव है, तो एल के कोऑर्डिनेट्स आपके जीरो और फाइव हो गए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट्स देखिए, एम देखिए पहले कहाँ पे है आपका, देखिए ये रहा, ये एक्स पे कितना है माइनस थ्री, और वाई पे कितना है, वाई तो यहाँ होता है ना ऊपर नीचे, तो ये तो ना ऊपर है ना नीचे है, तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो है, तो एम के कोऑर्डिनेट्स माइनस थ्री जीरो। बस ये लास्ट पॉइंट था आपका। ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो गई, आगे कोई क्वेश्चन भी नहीं है।